दोस्तों दमन मूवी के बाद अभी ओडिया इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे ऐसा मूवी आने वाला है जो कि सबको पसंद आएगा और सबको चौंका के भी रख देगा। जी हाँ, क्योंकि दमन मूवी को जितना अप्रिसिएशन मिला है ना, सब लोग ओडिया इंडस्ट्री के बारे में जानने लगे हैं, सब लोग ओडिया इंडस्ट्री को और भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो पास्ट में था वो पास्ट में था, जो अभी प्रेजेंट में है, जो आगे जाएगा उसके लिए डिस्कशन करना है और उसके लिए हमको चेंजेस भी लाना है। तो आज मैं ऐसे दो मूवी के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा जो कि बहुत ही बढ़िया मूवी है और बॉलीवुड इंडस्ट्री को और भी पहचान बढ़ाएगा वो, और ओरिजिनल कंटेंट और उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा। तो चलिए बात करते हैं वो दो मूवी के बारे में। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है शंकर और मैं आपको स्वागत करता हूँ शंकी वुड पे। दोस्तों पहला मूवी है प्रतीक्षा, जो कि ऑलरेडी इसका ट्रेजर रिलीज हो चुका है, ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये ट्रेलर सबको पसंद आ रहा है और सब उसके बारे में जानते हैं। सिर्फ उड़ीसा से, उड़ीसा के बाहर या फिर इंडिया से बाहर भी लोग देख रहे हैं, इवन पाकिस्तान से भी लोग देख के रिएक्शन दे रहे हैं, तो कि ये अच्छा संकेत है हमारे हॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए कि हॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत आगे तक जा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है प्रतीक्षा उड़िया मूवी। दोस्तों पहले हम बात करने वाले हैं प्रतीक्षा मूवी के बारे में, जिसको डायरेक्ट किया अनुभव पटनायक जी ने। प्रतीक्षा एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, एक अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट लड़के की कहानी है, जो कि ग्रेजुएट खत्म होने के बाद कैसे वो सरकारी नौकरी के पीछे भागता है और उसके फैमिली के साथ उसका कैसा रिलेशन है, उसके खास करके पिताजी के साथ कैसा उसका बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप है, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। और से उसके जब पापा जिंदा थे उनके पैसे से घर चलता था, वो भी अपना खर्चा करता था, तो उसके पापा की तबीयत खराब हो जाता है, वो सोच में पड़ जाता कि क्या करेगा क्या नहीं, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चलता है। उसके बाद वो क्या स्टेप लेता है, क्या करता है, क्या नहीं, उसकी ये कहानी है, जो कि ये मूवी ऑलरेडी गोवा फिल्म फेस्टिवल में उसको प्रेजेंट किया गया था, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिला था गोवा फिल्म फेस्टिवल में। इस मूवी की जो बजट है 35 लाख है और ये बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, मतलब 2 दिसंबर को ये रिलीज होने वाला है उड़ीसा में, उड़ीसा के थिएटर में, शायद उड़ीसा के बाहर के थिएटर में भी रिलीज हो सकता है उड़िया लैंग्वेज में, क्योंकि हिंदी में तो ये डब भी नहीं हो सकता, क्योंकि गोवा फिल्म फेस्टिवल में ही अनुपम खेर जी ने ये कंफर्म कर दिया कि इसको हिंदी में बनाएंगे और ऑलरेडी जो डायरेक्टर है अनुपम पटनायक, उनको साइनिंग अमाउंट भी कुछ 1150 करके उन्होंने दे दिया था वहाँ पे ही, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है कि इस जो मूवी में जो फादर का कैरेक्टर है वो ही प्ले करेंगे, वो ये अच्छी बात है और वो डायरेक्टर के लिए भी प्राउड मोमेंट है, इवन हमारे उड़िया इंडस्ट्री के लिए भी प्राउड मोमेंट है कि कोई मतलब बॉलीवुड के एक दिग्गज कलाकार हमारी मूवी को तारीफ कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा ये बात है। मेरे लिस्ट की दूसरा मूवी है माइंड गेम, एक मोस्ट अवेटेड मूवी है हॉलीवुड इंडस्ट्री का, क्योंकि बहुत साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि मूवी कब रिलीज होगा, इसका टीजर कब आएगा, तो हाल ही में इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है और बहुत जल्द ही ये मूवी रिलीज होगा। दोस्तों माइंड गेम एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी है, जिसको कि डायरेक्ट किया है राजेश टचवीर जी ने, शायद उनका नाम मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पर उनका जो मेन नाम है राजेश जी है, और यहाँ पे जो मेन लीड में है मनोज मिश्रा और अतुल कुलकर्णी बॉलीवुड से, यशपाल शर्मा भी बॉलीवुड से, और एक कलाकार है साउथ से जिनका नाम है टनी कैला वरानी। इन दिग्गज कलाकारों को लेकर ये मूवी बनाया जा रहा है, उसका जो बजट है 5 करोड़, जो कि हमारे हॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बिग बजट वाला मूवी है। और ये मूवी का जो कहानी है ओरिजिनल है, उसका जो कंटेंट, उसका जो डायरेक्शन है बहुत ही अच्छा है, और इसका जो हाल ही में जो टीजर रिलीज हुआ है, उसका जो टीजर जो जिस तरह से उन्होंने काटा है म्यूजिक के साथ, बहुत ही थ्रिल दे रहा है। मे बी ये इंसिडेंट सबको पता है, शायद उसमें कुछ इम्प्रोवाइज भी किया होगा इन लोगों ने, कुछ तो एडअप किया होगा उसके बाद, क्योंकि बॉलीवुड के इतने दिग्गज कलाकार हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो इम्प्रोवाइज किया होगा, और डायलॉग भी बहुत अच्छा होगा। और ये भी उम्मीद है कि ये अलग अलग लैंग्वेज में भी रिलीज हो सकता है, हालांकि इसका रिलीज डेट जो है कन्फर्म नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद नेक्स्ट ईयर रिलीज हो सकता है 2023 में, जनवरी या फरवरी के टाइम पर रिलीज हो सकता है। शायद इसका पोस्ट प्रोडक्शन का जो भी काम था वो खत्म हो चुका है, तो रिलीज हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मूवी कब रिलीज हो, कब लोग देखें। तो दोस्तों ये थी दो मूवी के बारे में जानकारियां, हालांकि ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि 2 दिसंबर को रिलीज होने वाला है प्रतीक्षा, आप जाए नजदीक के सिनेमाघर में, आप देखिएगा ये मूवी जरूर। और अगर मेरा ये वीडियो अगर ज्यादा लोग देखें, तो सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मूवी देख रहे हो तो मूवी को जो शूटिंग करो, मोमेंट शूटिंग करो, ठीक है कोई बात नहीं, पर जो मूवी का फुल मूवी आप शूटिंग करके कोई भी यूट्यूब में रिलीज मत कीजिएगा, पायरेसी से बचें, उड़िया इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, अभी अभी तो ये ग्रो करना चालू किया है, अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे भी ग्रो नहीं करेगा।
तो ये अच्छी बात नहीं है, बस ये हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पायरेसी मत कीजिएगा। तो ये थी मेरा राय इस मूवी के बारे में, आपका क्या राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।